नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। कहीं ये चौथी लहर की दस्तक तो नहीं? कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा होता दिख रहा है। एक हफ्ते के दौरान मामले 150 से बढ़कर 300 के पार चले गए हैं। एक ही हफ्ते में दिल्ली में ये रफ्तार दोगुनी हो गई है। इस बीच दिल्ली में बृहस्पतिवार को कोरोना से संक्रमित 325 नए मरीज मिले। वहीं राहत की बात यह है कि कोई मौत नहीं हुई है। खबर है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA अगले हफ्ते में 20 अप्रैल को अहम बैठक करेगा। इस बैठक में दिल्ली में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उपायों और मास्क न लगाने पर जुर्माने पर चर्चा हो सकती है। दैनिक जागरण से बातचीत के मुताबिक दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 20 अप्रैल को होने वाली दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में कोरोना का विस्तार रोकने के लिए अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मौजूदा कोविड की स्थिति पर चर्चा हो सकती है। बैठक में जरूरत के हिसाब से उपयुक्त कदम उठाए जा सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि मास्क अनिवार्य रूप से लगाने का भी फैसला लिया जा सकता है। खासकर भीड़भाड़ वाले इलाके में मास्क अनिवार्य करने का भी फैसला हो सकता है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि कोरोना से बचाव के लिए क्या फैसले लिए जा सकते हैं। बाजार या फिर मार्केट में मास्क हो सकता है अनिवार्य। मॉल सिनेमा हॉल में भी बढ़ सकती है सख्ती। मेट्रो में भी सफर के दौरान मास्क को किया जा सकता है अनिवार्य। दफ्तरों में भी मास्क लगाने को कहा जा सकता है। कोरोना की पिछली लहरों की तरह एक बार फिर स्कूल और कॉलेजों में बच्चों के संक्रमित होने के भी मामले सामने आने लगे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि चौथी लहर आए भी तो ये ज्यादा घातक नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इस कारण कोरोना घातक नहीं होगा।